नमस्कार, मैं सुमित शर्मा एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कहानी सुनी थी टॉमी की। टॉमी की कहानी से हमें पता चला कि लाइफ में एम होना कितना ज़रूरी है। सक्सेसफुल होने के लिए पहला स्टेप है लाइफ में एम डिसाइड करना। लेकिन आप जब अपने अराउंड जाएंगे और कई अनसक्सेसफुल पीपल को देखेंगे तो आप उनसे पूछेंगे कि भाई आप सक्सेस नहीं हुए क्या, आपकी ज़िंदगी में कोई एम नहीं था क्या? दिल से कि हमारी ज़िंदगी में एक एम था, बट फिर भी वो लोग सक्सेसफुल नहीं है। तो अगर एम डिसाइड करना ही सक्सेसफुल होने का एकमात्र क्रिटेरिया होता तो शायद वो सक्सेसफुल हो जाते। तो ऐसी क्या और चीज़ है जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए? क्यों कोई आदमी सक्सेसफुल हो जाता है और क्यों कोई आदमी सक्सेसफुल नहीं हो पाता है? इस चीज़ का जो राज है वो छुपा हुआ है एक छोटी सी कहानी में। तो बचपन में हम लोगों ने एक कहानी सुनी थी। कहानी थी खरगोश की और कछुए की। तो खरगोश और कछुए की कहानी में हम लोगों ने देखा था कि जो खरगोश था वो ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया। उसे लगा कि ये कछुआ तो मुझे कभी हरा ही नहीं सकता और वो बीच रास्ते में सो गया। सोते हुए खरगोश को कछुआ पार कर गया और कछुआ वो रेस जीत गया। जो कहानी थी इसका एक मोरल हमारे सामने आया था कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। मतलब अगर आप स्लो भी हो फिर भी आप निरंतर लगे रहते हो, आप कंसिस्टेंटली लगे रहते हो तो आप रेस को जीत जाते हो। आप मेहनत करो तो आप जीत जाओगे रेस को। अब इसके बाद की कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। इसके बाद क्या हुआ, खरगोश के ऊपर प्रेशर आने लगा। उसकी फैमिली मेम्बर सब लोग बोलने लगे कि तूने बिल्कुल ठीक से प्रैक्टिस नहीं की, तेरी प्रैक्टिस ना करने की वजह से तू ये रेस हार गया। उसके फ्रेंड्स ने बोला तू कैसा खरगोश है, तू एक कछुए से हार गया, तूने हमारे पूरे समाज की सबकी तूने इज्जत को खाक में मिला दिया। अब खरगोश के पास कोई ऑप्शन नहीं था। खरगोश बहुत ही ज़्यादा निराश हो चुका था। अपना सर झुका के उस सिटी से वो बाहर चला गया। बाहर जाते जाते पूरे रास्ते यही सोच रहा था कि मैं कैसे एक कछुए से हार गया। उदास, परेशान, हैरान खरगोश सुसाइड पॉइंट पे चला गया। सुसाइड पॉइंट पे उसे जाकर एक सन्यासी मिला। सन्यासी ने उससे पूछा कि खरगोश यहाँ क्यों आए हो? तो उसने बोला मेरी ज़िंदगी में कुछ बचा नहीं, मैं एक कछुए से हार गया हूँ, मैंने सबकी इज्जत बिल्कुल खाक में मिला दी है और मैं किसी लायक नहीं हूँ, मैं मरना चाहता हूँ। इतने में सन्यासी ने उसे बोला कि तुझे मरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि तू जा और उस कछुए से दोबारा रेस कर, लेकिन इस बार कभी भी रेस के बीच में सोना मत। इस बार दृढ़ निश्चय कर ले कि तू पूरी ईमानदारी के साथ रेस करेगा और तू कभी भी अपने कॉम्पिटिटर को छोटा नहीं समझेगा। ये सुनकर खरगोश फिर से गया। अब कछुए की साइड कुछ अलग ही कहानी थी। कछुआ जीत चुका है खरगोश से। अलग अलग न्यूज़ वाले और सब लोग उसे घेरे हुए हैं। कछुआ बता रहा है कि मैं ऐसे ही नहीं जीता, मैंने बहुत सारे डंबल किए हैं, बहुत मेहनत करता था, कंसिस्टेंटली लगा रहता था तब शायद जाके मैं जीता हूँ और ऐसे ही सक्सेस नहीं मिल जाती, वो सारी चीज़ें मोटिवेशनल लेक्चर दे रहा है कछुआ। उसके बाद उसके फ्रेंड्स उसे ले जाते हैं और उसके फ्रेंड्स बोलते हैं पार्टी तो बनती है और पार्टी के अंदर ले गए हैं। उसी पार्टी के बीच में खरगोश वहाँ आता है और खरगोश कहता है कि कछुए कल फिर हम लोग रेस करेंगे। कछुआ बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस में था। उसने कहा तुझे आज हराया है, कल फिर रेस करेगा, फिर हारेगा और कभी करेगा तो और कभी हारेगा। और कछुआ उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। अगले दिन रेस हुई। 1, 2, 3 गेम ओवर। कछुए का गेम ओवर हो गया। कछुआ बस स्टार्टिंग लाइन पे ही था, इतनी देर में खरगोश पूरी बाउंड्री लाइन कवर कर गया। खरगोश फिर से जीत चुका था, उसे फिर से उसका खोया हुआ सम्मान मिल गया था, लेकिन कछुआ हार चुका था। कछुए ने जो एक दिन पहले बड़े बड़े डींगे मारे थे वो सब कुछ गलत हो गए थे। उदास, परेशान, हैरान कछुआ भी उसी सुसाइड पॉइंट पे चला गया जहां वो खरगोश गया था। फिर उसे वही सन्यासी मिला। सन्यासी देखकर परेशान हो गया। उसने कहा ये हारता है तो ये आ जाता है, ये हारता है तो ये आ जाता है। तो सन्यासी ने कछुए के कान में एक बात कही। उसके बाद कछुआ खरगोश के पास गया और बोला हिम्मत है तो कल फिर रेस कर। खरगोश ने बोला देख ऐसी बात है कि तू तुक्के में जीता था, कोई बड़ी बात नहीं है, तू कल फिर रेस करेगा कल फिर हारेगा, एक बार नहीं 100 बार रेस कर ले 100 बार हारेगा, क्योंकि अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ और अब मैं कोई गलती करने वाला नहीं हूँ। अगले दिन रेस हुई 1, 2, 3 लेकिन इस बार रेस में कछुआ जीता। क्यों? क्योंकि कछुए ने इस बार जो रेस करी थी उसने कुछ ऐसा मैदान सेलेक्ट किया था कि बीच में एक नदी आती थी। जब नदी आई तो खरगोश जाकर वहाँ रुक गया। खरगोश सोचता रहा कि अगर मैं इसमें गया तो फिर मैं मर सकता हूँ।
इतनी देर में धीरे धीरे चलता हुआ कछुआ आया और कछुआ जब पानी के अंदर गया तो उसकी स्पीड बहुत तेज हो गई और उसने फटाक से जाके बाउंड्री लाइन छू ली। इस कहानी से हमें चार लेसन मिलते हैं। पहला, सबसे पहले पहचानो कि मैं कौन हूँ, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या है। दूसरा, जिस जगह भी आप वीक हो, जिस जगह भी आपको लगता है कि आप स्लो हो, उस जगह आप स्टेडी रहो, कंसिस्टेंट रहो, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपने जो कोई भी एम सेलेक्ट किया है उसमें से हर एक चीज़ के अंदर आप फास्ट हो, उसमें से कुछ ऐसे पार्ट्स भी हो सकते हैं जिसमें आप स्लो हो। तो जिस जगह भी आप स्लो हो वहाँ आपको स्टेडी रहना है, कंसिस्टेंट रहना है, अदरवाइज़ आप कभी भी अगर कोई खरगोश सोता है तो उस अपॉर्चुनिटी का कभी भी फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तीसरी, अगर आप फास्ट हो तो आपको फोकस रहने की ज़रूरत है। आपकी जो स्ट्रेंथ है, जिस चीज़ के लिए भगवान ने आपको बनाकर भेजा है, उस चीज़ को ब्रशअप करने की ज़रूरत है, उस चीज़ को इतना मजबूत करने की ज़रूरत है कि दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा धुरंधर आ जाए, उस मैदान में, उस जगह, जिस चीज़ के लिए आपको भगवान ने बनाया है, जो आपकी स्ट्रेंथ है, उसके अंदर आपको हरा ना सके। यू हैव टू बी फोकस्ड। जो भी आपकी स्ट्रेंथ है उसके अंदर आपको फोकस्ड होने की ज़रूरत है। और चौथी, कि जिंदगी का अपना एम उसी क्षेत्र में बनाओ जिस क्षेत्र में आपकी ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथ यूटिलाइज होती है। क्रिकेट का भगवान कौन है? सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर ने अपना एम ऐसी फील्ड में बनाया है जहाँ उसकी ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथ यूटिलाइज होती है, एक ऐसी फील्ड जिसके लिए भगवान ने उसे नेचुरली बनाकर भेजा था, नेचुरली उसके अंदर से ही था क्रिकेटर बनने के लिए। लता मंगेशकर, लता मंगेशकर को भगवान ने म्यूज़िक के लिए बनाया, उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ को पहचाना और अपना एम उसी फील्ड में बनाया जिस फील्ड में उनकी ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथ है, और उस फील्ड में अपनी स्ट्रेंथ को ब्रशअप किया। भाग मिल्खा भाग सभी ने देखी होगी। भाग मिल्खा भाग के अंदर मिल्खा की जो स्ट्रेंथ थी वो थी उसका भागना। उसने भागने को अपनी स्ट्रेंथ बनाया, अपनी ज़िंदगी का रास्ता इस तरह से तय किया कि हर रास्ते के अंदर उसे कहीं ना कहीं भागने को मिलता था, जिस चीज़ में वो अच्छा ही नहीं, बहुत अच्छा था, और उसने अपनी सक्सेस अचीव की। अगर मान लो कि सचिन तेंदुलकर गाने लग जाते हैं तो शायद आज हमें सचिन तेंदुलकर नाम पता नहीं होता। मान लो कि लता मंगेशकर क्रिकेट खेलने लग जाते हैं तो शायद हमें लता मंगेशकर का नाम पता नहीं होता। आजकल हम अपनी ज़िंदगी में जिन लोगों को देखते हैं, जिन लोगों ने एम भी अपनी लाइफ के अंदर बनाए और स्टिल वो लोग सक्सेसफुल नहीं हैं, उसका एक कारण है क्योंकि उन्होंने जिस जगह अपना एम बनाया उस जगह शायद वो स्ट्रांग नहीं थे। भगवान ने हम सबको एक अलग मकसद के लिए भेजा है। भगवान ने हम सबको कुछ अलग बनाया है। हम सब की अलग स्ट्रेंथ होती हैं और हम सब की अलग वीकनेसेस होती हैं। अगर हम ऐसी फील्ड के अंदर काम करेंगे जहां ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीकनेसेस हैं तो हम कभी भी सक्सेसफुल हो ही नहीं पाएंगे। अगर हम ऐसी फील्ड में काम करेंगे यहां जहां ज़्यादा से ज़्यादा हमारी स्ट्रेंथ काम आती हैं तो सक्सेस हमसे दूर नहीं है। तो पॉइंट नंबर टू, एम ऐसा डिसाइड करो जिस जगह हमारी स्ट्रेंथ ज़्यादा से ज़्यादा काम आती है। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम अपनी स्ट्रेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं और उसी के हिसाब से हम अपनी लाइफ टाइम में अपना एम डिसाइड कर सकते हैं और लाइफ को सही से प्लान कर सकते हैं। जय हिंद।